नमस्कार दोस्त, मेरा नाम रुपेश और आप देख रहे हैं जनरल पब्लिक सेवा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही बेहतरीन योजना के बारे में, यानी कि हम बात कर रहे हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में। अब देखिए, इस योजना के अंतर्गत जो काफी सारे लोग जो फॉर्म भरे हुए हैं, वो ये समझ करके फॉर्म भरे हैं कि इस योजना के अंतर्गत हमें फ्री में जो है सिलाई मशीन मिलता है। अब इसी से रिलेटिव जो है मन में बहुत सारा क्वेश्चन भी आ गया। अब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि सिलाई मशीन जो है हमें कब मिलेगा, इसमें आवेदन जो है वो कब तक इसमें आवेदन होगा, मतलब लास्ट डेट इसका क्या है, और आवेदन जो हम कर दिए हैं अभी तक हमको कॉल भी नहीं आया हुआ है, तो क्या करें नहीं करें। और भी ये सवाल है कि इसमें जो है आवेदन कौन कौन लोग कर सकते हैं, महिला पुरुष लड़का लड़की कौन कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। और ये भी सवाल है कि भाई साहब, इस योजना के अंतर्गत जो है हमें फ्री में सिलाई मशीन मिलेगा या फिर मशीन का पैसा मिलेगा। तो इस वीडियो में हम आपको सारा जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को स्किप कहीं पर मत कीजिएगा। जो भी ऑथेंटिक जानकारी है और रियलिटी है वो हम आपके सामने खोल रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस बना करके वीडियो को देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहले बार आए होंगे आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक भी अवश्य ही कर दीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि देखिए, प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना जो है ऐसा कुछ है ही नहीं, ये योजना जो है वो पीएम विश्वकर्मा योजना ही है। इस पीएम विश्वकर्मा योजना में जब हम फॉर्म भरते हैं तो वहां पे एक टेलर का ऑप्शन आता है, दर्जी का ऑप्शन आता है, वो ऑप्शन हम सेलेक्ट करके जो है आवेदन करते हैं। उसमें हम कोई भी मतलब जो है काम डाल करके आवेदन कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि हम उसमें दर्जी दिए हुए तो हमको दर्जी के लिए मतलब सिलाई मशीन मिलेगा कपड़ा सीने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि आपको उसमें सिलाई मशीन मिलता ही नहीं है, केवल आप वहां पे काम अपना दर्शा रहे हो कि हम ये काम करते हैं, राइट। उसमें सिलाई मशीन आपको नहीं दिया जाता है। सिलाई मशीन, अब आप ये सोच के चलो कि हमको सिलाई मशीन के लिए ही पैसा दे रहा है सरकार, जो भी मान सकते हैं आप, लेकिन आपको 15,000 रुपया जो है वो टूल किट के लिए दिया जाता है। आप उसे जो समझना चाहो वो आप समझ सकते हो। ये हम आपको क्लियर बता दिए कि सिलाई मशीन नहीं दिया जाता है। अब क्लियर हो चुके होंगे कि सिलाई मशीन जो है कब मिलेगा, मतलब सिलाई मशीन कभी आपको मिलेगा ही नहीं। जब मिलेगा तब आपको पैसा ही मिलेगा 15,000 रुपया टूल किट के लिए, आप उसको जो समझ करके रख लीजिए। तो सिलाई मशीन आपको मिलने वाला नहीं है। अब बात करते हैं कि इसका आवेदन का आखिरी तिथि क्या, मतलब लास्ट डेट क्या है। तो इसमें लास्ट डेट कभी आने वाला ही है, तो इसमें लास्ट डेट कभी नहीं आएगा। अब इसमें अभी जो है फुल्ली आवेदन आप कर सकते हैं, इसका कोई निर्धारित तिथि नहीं है कि कब इसका लास्ट डेट आएगा, लेकिन इसमें आवेदन चलता ही रहेगा मेरे ख्याल से, जहां तक लग रहा है। अब हो सकता है आगे सरकार बदलने के बाद कुछ भी हो सकता है, ये तो मुझे नहीं पता, बट अभी जो है आवेदन इसमें लास्ट डेट इसका कोई कुछ नहीं है। आप अभी आवेदन आंख बंद करके कर सकते हैं, और आगे लास्ट डेट ये मत रखिएगा कि 10 दिन या 5 दिन या 1-2 महीने के बाद आवेदन इसमें बंद हो जाएगा। इसमें आवेदन कभी बंद होने वाला है ही नहीं। अब आगे क्या होगा ये तो हम कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल की बात हम बता रहे हैं कि इसमें अभी आवेदन बंद नहीं होगा, अभी आप आवेदन इसमें कर सकते हैं। बात रहा कि कॉल कब आएगा आप लोगों को, देखिए कॉल कब आता है, जब आपका वेरिफिकेशन हो जाता है, यानी कि इसमें आवेदन करने के बाद जो है मुखिया सरपंच के द्वारा वेरिफिकेशन हो जाता है, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट से कॉल आता है ट्रेनिंग के लिए, तो वहां पर आपको ट्रेनिंग में जाना पड़ता है। जब ट्रेनिंग में जाओगे तो फर्स्ट दिन ही आपको पेमेंट दे दिया जाएगा टूल किट का 15,000 रुपया। ठीक है, अब बात रहा कि इसमें आवेदन जो है कौन कौन लोग करेंगे, जैसे कि महिला पुरुष लड़का लड़की। तो देखिए, इसमें आवेदन जो है 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति जो भी है वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसमें बच्चा का मतलब बच्चे के लिए ये नहीं है। आप कुंवारे हैं, लड़का लड़की हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं, लेकिन आपका उम्र जो है वो 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। महिला पुरुष दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो भी आप लोग के मन में क्वेश्चन था ऑलमोस्ट हम आपको सब कुछ बता ही दिए हैं। अब इसके अलावा और कोई जानकारी अगर आप लोग को चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, जहां तक हमें पता होगा वहां तक हम आप लोग को अवश्य ही बतला देंगे। आई होप दोस्तों ये जानकारी आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम इस वीडियो करते एंड अगर आपने पूरा इस वीडियो को वॉच किया हो तो वीडियो देखने आपका तहे दिल से धन्यवाद। दोस्त, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।